अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबिहा और आप देख रहे हैं सबिहा किचन फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू और मज़ेदार चटपटी चिकन मैक्रोनी की रेसिपी। इसको बनाने के लिए आपको जो अज्जा चाहिए वो ये हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। 400 ग्राम्स हमने यहाँ पे मैक्रोनी का पैकेट लिया है, 400 ग्राम्स क्यूब्स में कटी हुई चिकन है, आधी बंद गोभी, एक गाजर मैंने चॉप कर ली है, 5 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप, 5 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 2 से 3 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, 1 शिमला मिर्च चॉप की हुई, 1.5 टेबल स्पून वाइट पेपर, 1.5 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, चिली सॉस डलेगा इसके अंदर, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून। ये हमने 3 लीटर पानी उबलने के लिए रखा है। इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसको जरा तेज गर्म होने देंगे पानी को, फिर हम इसके अंदर मैक्रोनी को ऐड करेंगे। पानी के अंदर 9 मिनट तक मैक्रोनी को पकाया है। ये अब तैयार होने लगी है, इसके 9 मिनट पूरे हो गए हैं। अब हम इसका पानी छान लेंगे। ये देखें, अब हम इसको इस तरीके से छन्ने में डाल के इसका पानी छान लेंगे। इसको अब हमने इस तरीके से ऊपर नीचे करना है क्योंकि ये ट्विस्टेड मैक्रोनी है, इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो हम इसको छन्नी में डाल के इस तरीके से करेंगे तो उसका पानी यह है कि निकल जाएगा। अब हम इसको ठंडा पानी इसके ऊपर डालेंगे। गर्म पानी इसका छानने के बाद हमने इसको ठंडे पानी से निकाल लिया। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे ताकि ये एक दूसरे से जुड़े नहीं, और हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब हम इसका सॉस बनाते हैं। यहां हमने 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। अब हम इसके अंदर लहसुन चॉप हुआ हुआ डालेंगे जो हमने 2 से 3 अदर लिए थे, और हम इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। हमने इसको जलने नहीं देना, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन को भी हमने लाइट गोल्डन होने तक ऐसे ही फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको गोल्डन फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने चिली सॉस। ये देखें, ये लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। वन कप हमने शिमला मिर्च ली थी, वन कप गाजर, और आधी बंद गोभी इसके अंदर हम ऐड करने लगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
अब 5 मिनट के लिए हम इसको दम पर लगाएंगे ताकि ये जो वेजिटेबल्स हैं गल जाएं। ये देखें 5 मिनट बाद इसकी ये शक्ल निकल कर आई है। बहुत ज़्यादा देर इसको दम पे नहीं लगाना, नहीं तो सारी जो सब्जियाँ वगैरह है ना वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं और उनका कलर भी ख़राब हो जाता है। अब हम इसके अंदर वाइट पेपर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर दोनों चीज़ें 1.5 टेबल स्पून है। मिक्स करेंगे इसको। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। अपने घर में आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके अंदर केचप ऐड करेंगे। 5 टेबल स्पून मैंने केचप लिया है। कम ज़्यादा आप अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं क्योंकि किसी को ज़्यादा केचप खाना ज़्यादा पसंद नहीं होता, वो कम डाल ले। अब हम इसके अंदर चिली गार्लिक केचप वो ऐड कर रहे हैं। इसमें नमक ऐड नहीं होता है क्योंकि केचप के अंदर और सोया सॉस और सिरके के अंदर ऑलरेडी नमक होता है और मैक्रोनी उबालने के टाइम पे हमने उसके अंदर नमक ऐड कर दिया था। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पर हम अपनी आंच जो है चूल्हे की वो कम कर लेंगे वरना हमारा केचप वगैरह जो है वो सब सूखना शुरू हो जाएगा। तो जो ग्रेवी जो बनाई है हमने, जो हमने सॉस बनाया है, ये सारा ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत हमारा सॉस तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी मैक्रोनी ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर लें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे आके जब आप इसको मिक्स कर रहे होते हैं तो मिक्स करने के बाद आप इसको थोड़ा सा चख ज़रूर लें। अगर आपको थोड़ी केचप की ज़रूरत महसूस होती है तो आप इसके अंदर केचप ऐड कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर आपको अगर महसूस हो रही है कि मिर्चें कम हैं आपके लिहाज से तो आप इसके अंदर मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मेरी मैक्रोनी देखें आप इस तरीके से अलग अलग है, बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है, चिपकी हुई नहीं है। बिल्कुल टाइम के हिसाब से आप इसको उबालेंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए दम देंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। हमारी चिकन चटपटी मैक्रोनी तैयार है। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।